Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, we have learned in the last video question number 5 to 8. So now today we will start from question number 9. Write the place value of digits underlined. Means जो number हमें दिया गया है उसमें जो number पर underline किया है उसकी हमें place value बतानी है. Number A, 1362. इसमें 6 का place कौन सा है? 10. So अभी हमें 6 underline किया है, हम 6 लिखेंगे. इसके बाद 6 के बाद right side में 8 figure है, तो हम 80 लगाएंगे. इसकी place value हो जाएगी 60. Next is 8395. So place value 8 means 1000 place पर 8 है, तो हम 8 लिखेंगे. And उसके बाद 3 figures हैं, 1, 2, 3. तो हम 30 लगाएंगे. इसकी place value हो जाएगी 8000. Next is 4344. 3 के underline किया है, उसका place है 3. तो हमें 3 के बाद 2 फिगर है, तो हम 2 0 लगाएंगे. 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 300. नेक्स्ट 3965, इसमें 6 को अंडरलाइन किया गया है, 6 का प्लेस है 10. सो हम 6 लिखेंगे. उसके बाद राइट साइड में 1 फिगर है, तो हम 1 फिगर का 1 0 लगा देंगे. प्लेस वैल्यू बन जाएगी 60. नेक्स्ट है 6460. अभी इसमें 0 वन स्पेस पर है, 0 को अंडरलाइन किया गया है, तो हमें वंस का हमेशा वही सेम फिगर आता है, तो हम 0 का 0 एज इट इज लिखेंगे. नेक्स्ट इज 1982. 1000 प्लेस पर है, 1 को अंडरलाइन किया गया है, सो 1. उसके बाद 1, 2, 3 3 फिगर्स हैं, हम 3 0 लगाएंगे, तो नंबर आ जाएगा 1000. Our question is arranged in ascending order. Ascending order क्या होता है आपको मालूम है? Ascending means जैसे हम सीरीज चढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो small to great की तरह हमें जाना होता है, वो ascending. जैसे हम short type of students को पहले खड़ा करेंगे, उसके बाद tall, then tall, then tall, इस तरह से वो हमारा ascending order में जाते हैं. इसी तरह से हम क्या करेंगे, numbers को भी स्मॉल, फिर उससे बड़ा, इस तरह से अरेंज करेंगे. हमारे नंबर्स हैं 7315, 7135, 7012, 7209. अब हम इसमें जो बड़ी डिजिट होती है, 4 डिजिट है, जैसे इसमें 1000 प्लेस पर हम उन्हें देखेंगे, यहाँ 7777, चारों डिजिट सेम है, तो हम 100 प्लेस पर जाएंगे, 3, 1, 0 and 2. अब इसमें से हमें जो स्मॉल नंबर होगा वो देखा जाएगा, तो 3, 1, 0 and 2 में स्मॉल नंबर आ जाएगा 0. सो सबसे पहले हम 7012 को लिखेंगे. इसके बाद अगेन हम इसी नंबर को कंपेयर करेंगे, 3, 1 and 2. 3, 1 and 2 में स्मॉल नंबर है 1. सो हम 7135 नंबर लिखेंगे. इसके बाद आ जाएगा 7300, 3 एंड हियर इज 2. सो 2 एंड 3 में से 2 इज द स्मॉलर, सो वी विल राइट 7209. एंड लास्ट नंबर आएगा 7350. सो इस तरह से हम नंबर को अरेंज करेंगे. नेक्स्ट नंबर है 3874, 3447, 3724, 3427. सो अब हम इसमें नंबर देखेंगे 3333. चारों नंबर्स में हमारा 1000 प्लेस पर 3 सेम नंबर जा रहा है. हम देखेंगे अब 100 प्लेस, 100 प्लेस पर आएगा हमारा 8, 2, 7 एंड 4. आप इसमें देखेंगे
चारों में से स्मॉल नंबर कौन सा है, तो हमारा स्मॉल नंबर है 2। तो सबसे पहले हम 3247 लिखेंगे, इसके बाद अगेन इसी नंबर में हम देखेंगे 8, 7 एंड 4। इन 8, 7 एंड 4 में हमारा स्मॉल नंबर है 4, तो नंबर आएगा 3427। नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 8 एंड 7 में कंपेयर करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 3724। एंड लास्ट नंबर आएगा 3874। तो इस तरह से हम नंबर्स को स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ ले जाएंगे। अवर क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर किया मीन स्मॉल टू ग्रेटर, अभी हम उल्टा, अभी आप सीढ़ी चढ़े, अब उन सीढ़ियों को हम वापस उतरेंगे। 1, 2, 3, 4 गए, अभी 4, 3, 2, 1 उल्टा आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया हमने, हाइट वाइज शॉर्ट हाइट है, टॉल टॉल, अभी हम क्या करेंगे, पहले टॉल फिर टेन शॉर्ट। इस तरह से अब हम इसी तरह से नंबर्स को भी डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स उल्टे क्रम में, घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे। अब हम इसमें हम देखेंगे 4 डिजिट्स है मीन्स 1000 पेज है, 4040, 4004, 6309 एंड 9204। चारों डिजिट में हमें पहले बड़ा फिगर देखना है, 1000 पेज है, 9, 6, 4, 4 आर सेम, देन 6 और 9 में अगर हम कंपेयर करें तो 9 सबसे बड़ा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9204, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा 6, 4, 4 में कंपेयर करेंगे हमारा नंबर आएगा 6, क्योंकि इन तीनों में हमारा 6 बड़ा है, 6309। अब 4040 एंड 4004, 4 4 आर सेम, 0 0 सेम, देन 4 एंड 0 टेंथ स्पेस पर है, 4 और 0 में 4 0 से बड़ा है टेंथ स्पेस पर, तो हम लिखेंगे 4040। एंड लास्ट में आएगा 4004। सो इस तरह से हम नंबर्स को अरेंज करेंगे। बी इज 6336, 3663, 6363 एंड 3636। अब हम इसमें 1000 पेज पर देखते हैं, 6, 3, 6, 3। सो 6, 6 से 3, 3 स्मॉल है, तो हम पहले 6 वाला नंबर देखेंगे, 6 एंड 6 बोथ का सेम, देन आ जाएंगे 100 पेज पर, 3 एंड 3 भी सेम है, फिर आएंगे 10 पेज पर, 3 एंड 6 में हमारा 6 नंबर बड़ा है, सो हम नंबर 6363 लिखेंगे, देन उसके बाद हमारा आ जाएगा 6336। अब हम आएंगे 3663 एंड 3636 में, 3000 पेज पर दोनों सेम है, आएंगे 100 पेज पर, 6, 6 भी सेम है, आ जाएंगे 10th पेज पर, 6 एंड 3, 6 एंड 3 में 6 बड़ा नंबर है, सो हम लिखेंगे 3663। लास्ट में हमारा नंबर आएगा 3636। तो इस तरह से हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नाउ यूजिंग द डिजिट्स 8, 2, 0 एंड 3 फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। मीन्स जो हमें नंबर दिया 8, 2, 0 एंड 3, इसमें से हमें स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर दोनों बनाने हैं, लेकिन हमें एक बात ध्यान देनी है, स्मॉलेस्ट नंबर में अभी हमारा 0 है, 0 हम कभी भी फर्स्ट पेज पर नहीं लगाते, उसे हम सेकंड पेज पर लगाते हैं, सो 0 को हम छोड़ के अगर हम देखें 8, 2 एंड 3 में स्मॉल नंबर है 2, सो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल 2, आफ्टर दैट वी विल राइट 0, देन 3 एंड एट द लास्ट 8, द नंबर विल बिकम 2038। नाउ अवर नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर मीन्स बड़ा नंबर बनाना है, सो
So we will write first 8. After that we will write 3, then 2, and at the last we will write 0. The number will become 8,320. Students, you have to practice these questions in notebook.